नगरीय निकाय चुनाव में अब कांग्रेस की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है। आदिवासी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने निवास पर आदिवासी वर्ग की बैठक बुलाई थी। बैठक की जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक बाला बच्चन और ओमकार सिंह मरकाम ने बताया कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जिस तरह से आदिवासियों के साथ अन्याय किया है उसके खिलाफ वह जनता के बीच जाकर लड़ाई लड़ेंगे और आगामी नगरीय निकाय चुनाव में आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सरकार जाने के बाद आदिवासियों को लग रहा है कि भाई हम असुरक्षित है, और जब से इन्होंने जो सरकार सरकार की कमान शिवराज सिंह जी ने संभाली है, भाजपा ने संभाली है, तब से आदिवासियों को भी एक असुरक्षित वाली भावना मजबूती से बनती जा रही है। तो किस तरह से फिर हम लोग हर जगह कार्यक्रम करके हमारी भी यूनिटी, हम लोग यूनाइट होकर उनके मुद्दों को लेकर जो लड़ें, जो आदरणीय कमलनाथ जी ने आदिवासियों के लिए जो योजनाएँ जो बनाई थी वो फलीभूत हो, इससे संबंधित भी चर्चाएं हुई है, जिससे कि हम लोग आगे आने वाले समय में फिर सब जगह मजबूत होकर कैसे हम लोग पूरी 47 के 47 सीटें भी जीतें। और उसके बाद जो सोशल इंजीनियरिंग में 101 सीटें ऐसी है मध्य प्रदेश की, 101 आदिवासी सीटें, जिस 101 सीटें जिसमें 39% आदिवासी मतदाता है, इन सब बातों को लेकर चर्चाएँ जो हुई है, चर्चा हुई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आदिवासियों के हित को अनदेखा करते हुए मूल हमारे जो धरोहर हैं उनसे छेड़खानी करने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारा सब लोग, आप सब लोग, हम जानते हैं कि आदिवासी शब्द से हमें संबोधित किया जाता है, पूरा विश्व आदिवासी के नाम से जाना जाता है, और ऐसी स्थिति में जनजाति विभाग का नाम फिर कर दिए, और वहीं पर जो हमारे आदिवासी की संस्कृति का संरक्षण संवर्धन का जो योजना था, जो सभी लोगों के लिए आवश्यक है, उस पर ये लिपापोती करने लगे हैं। आदिवासियों के जो हमारे जंगल हैं उनको 40% जो ये निजी क्षेत्रों में देने का काम कर रहे हैं, ये तमाम ऐसे चीज़ हैं जो हमारे लिए बड़े नुकसानदायक है, और ऐसे विषयों पर हमारे आदिवासी विधायक और हमारे लोगों के बीच में हम लोग इस विषय को लेकर के चिंतित हैं, और आदिवासियों को साथ लेकर के आदिवासियों के हित में कैसे काम होता रहे, हमारा कांग्रेस का हमेशा से कर। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मालिक के साथ हेमंत मालिक की रिपोर्ट।